हेलो एवरीवन, आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो फ्रूटी और माजा सबके ऊपर भारी पड़ जाएगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ दो सामग्री वाली ये रेसिपी आप एक बार बनाकर पूरे 2 महीने तक फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक कच्चा आम और 5 से 6 पक्के आम लिए हैं। जो आम है वो ज़्यादा सॉफ्ट वाले नहीं है, इसे हम जैसे हम इडली या फिर ढोकला स्टीम करते हैं इस तरह से स्टीम कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करने के लिए रख दिया। आम को हमने अच्छे से पहले धो लिया था और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारे जो आम है वो बलून की तरह एकदम सॉफ्ट हो चुके और फूल भी चुके हैं। आपको मैं इसको दबा कर भी दिखा रही हूँ और एक के ऊपर मैंने नाइफ डाला, देखिए एकदम जैसे फुग्गा होता है ना गुब्बारा, उस तरह से ये हो चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद ऊपर का टॉप हम हटा देंगे और इसको हम एक बर्तन में पल्प निकाल लेंगे और इसकी गुठली भी निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसके लिए मैंने आपके साथ ये वाली मेथड शेयर की है। हम ऐसा ही सिरप बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए कच्चे आम को भी हमने इस तरह से छिल लिया है और इसको आराम से प्रेस करके इसका पल्प हम निकाल लेंगे। अभी आप सोचोगे कि गुठली के ऊपर का हम पल्प कैसे निकालें, तो देखिए हमने गुठली को पकड़ लिया है और फिर छुरी की मदद से इसके ऊपर का पल्प हम सारा निकाल लेंगे। इसमें जो हमने कच्चा आम लिया है ना, उसकी वजह से ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और साथ में जो टैंगी फ्लेवर हमें चाहिए ना वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कोई विनेगर, नींबू या फिर साइट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पल्प को हमने पूरा निकाल कर एक मिक्सर जार में पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने मीठे के लिए 1 कटोरी से कम खड़ी शक्कर को दरदरा कूट कर लिया, जिसे हम धागे वाली मिश्री कहते हैं वो, या फिर आप देसी खांड भी ले सकते हो और नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो। आप पहले आम के पल्प को टेस्ट कर ले, जो हिसाब से आम खट्टा होगा वो हिसाब से आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा ज़्यादा ले सकते हो। और ये जो गुठली है ना, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम हाथ से अच्छे से दबाकर सारा पल्प निकाल लेंगे और ये सारा पल्प हम हमारे जो जूस बनाया उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो कच्चा आम है ना, इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जैसे कि विनेगर या साइट्रिक या फिर नींबू, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इसे धीमी आंच पर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे पका लेंगे और इसका कलर भी है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब कि एक चमक आ जाएगी। और यहाँ पर हमने जो खड़ी शक्कर लिए, तो ये जो हमारा ड्रिंक बनेगा बहुत ज़्यादा हेल्थी भी होगा और टेस्टी तो है ही है। और देखिए यहाँ पर ये एकदम गाढ़ा भी होते जा रहा है और इसका कलर भी है ना चेंज होते जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर लास्ट में फूड कलर या फिर एसेंस भी ले सकते हो, पर मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मैंने इसे धीमी आंच पर उबलने दिया और नेचुरल कलर ही मैंने रहने दिया है इसका। तो इसे मैंने कुछ 15 से 18 मिनट तक धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पका लिया है। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और इतना गाढ़ा हो गया तब तक मैंने इसे पका लिया है। ये ठंडा होने के बाद मैं कोई भी एक एयर टाइट बॉटल में आप भर सकते हो। मैंने यहाँ पर कांच की बॉटल में भर के रखा है और यहाँ पर जो ग्लास में मैं ले रही हूँ इसमें आप देख सकते हो कि मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच ये पल्प लिया है। इसमें हमने ठंडा ठंडा पानी ले लिया है और चम्मच से मिक्स करने के बाद आप जब इसे चख लोगे ना तो मार्केट के माजा और फ्रूटी भूल जाओगे। और जब भी आप कांच की बोतल में से ये सिरप निकालो तब चम्मच सूखा होना चाहिए। और अगर आप इसे डीप फ्रीज़र के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉटल्स में आप इसे भरकर पूरे 6 महीने एंजॉय कर सकते हो। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसका कलर आप देखिए एकदम नेचुरल है, ना तो कोई हमने इसके अंदर कलर यूज़ किया। आप इस तरह से जो हाफूस आम मिलते हैं ना उसका भी यूज़ कर सकते हो।
और साथ में कच्चा आम लेना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसका ही तो टैंगीपन होता है, बहुत ही मजेदार। तो भाई साहब, मैं तो इसे टेस्ट करने जा रही हूँ, देर किस बात की है? मैंने तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी, आप भी जल्दी से बनाइए, पीजिए और घर पर सभी को पिलाइए, और सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे हिसाब से तो रियल एनर्जी बूस्टर है। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।